कार्यक्रम रूपयोग व्यवसाय चटा पैन इच्छे केन्द्र मंत्री व्यवसाय शाख मंत्री चंद्र कुमार गारी मैं स्वागत सुस्वागत पिछले छह सात सालों में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान के हित में और देश हित में जो काम किए गए उनके बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। गत 6 समस्या नरेंद्र मोदी 2014 में जब मैं कृषि मंत्री था, कृषि मंत्रालय का बजट 23,000 करोड़, आज कृषि मंत्रालय का बजट 1,34,000 करोड़। आत्मनिर्भर भारत में अभी मोदी जी द्वारा मेरे मंत्रालय को 20,000 करोड़ फिशरी के लिए, 20,000 करोड़ डेयरी के लिए और 1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए। आपका दुर्भाग्य इस 1,34,000 करोड़ में से तेलंगाना के किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। तेलंगाना के किसान की झोली आज भी खाली है, पूरे देश के किसान की झोली भरी है केंद्र सरकार। तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार की जितनी स्कीम थी, जितनी सुविधाएं किसानों के लिए केंद्र सरकार मोदी सरकार देती थी, वो सब सुविधाएं तेलंगाना सरकार द्वारा रोक दी गई है। फसल बीमा योजना जिसमें किसानों को मात्र 1.5 से 2% देना होता है, वो योजना तेलंगाना सरकार द्वारा रोक दी गई है। वाला रही मौसम प्राकृतिक हॉर्टिकल्चर में जो सब्सिडी थी या ड्रिप इरीगेशन में जो सब्सिडी थी, वो कोई भी सब्सिडी का एक नया पैसा भी तेलंगाना के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हॉर्टिकल्चर 2014 के बाद पेड़ी का एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा 43% बढ़ा दिया गया है, जबकि गेहूं का एमएसपी 41% बढ़ाया गया है। 2014 में हम 350 लाख टन की परचेज पेड़ी की करती थी केंद्र सरकार, आज के दिन 2020 में इस वर्ष हमने 750 लाख टन पेड़ी की परचेज केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। मुझे दुख हुआ है यहां पर कि तेलंगाना के किसान की पेड़ी की खरीदी स्वच्छ नहीं हुई। तेलंगाना के किसान की पेड़ी, जिस पेड़ी का रेट 1875 रूपये है, 1,375 रूपीज है, वो तेलंगाना के किसान को 1,100 में बेचनी पड़ी है। मोदी जी द्वारा किसान हित में किसानों के लिए 3 नए बिल लाए गए हैं। पहला बिल, किसान को अपने प्रोड्यूस को कहीं भी बेचने का पूरे देश में अधिकार देता है। दूसरा बिल, किसान की कीमत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा पहले तय की जाती है। इस वक्त तेलंगाना सरकार ने आपको कहा कि ये वैरायटी की पेड़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद आपसे खरीद लेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती तो उसी रेट में सारी पेड़ी आपकी खरीदी सरकार को निश्चित रूप से पड़ती। बड़े दुख की बात है कि तेलंगाना सरकार जो पैसा सीधा केंद्र सरकार से मिलता है, जिसमें करप्शन किया जा सकता है, वो पैसा तो केंद्र सरकार से लेती है, लेकिन जो पैसा किसान के हित में स्कीम के अंदर मिलेगा, वो पैसा लेने से इनकार करती है। आज तेलंगाना सरकार दो ही काम है, परिवारवाद और करप्शन। इस देश को परिवारवाद और करप्शन से बचाने के लिए ही 2014 में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे।
केसीआर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तेलंगाना के राजा नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र है, इसमें राजशाही की कोई जगह नहीं है। केसीआर सोचते हैं कि मेरे बाद में मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी में आम किसान कार्यकर्ता मौजूद है, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में मेरा बेटा, विरोधी दल भी उसकी तरफ करप्शन की उंगली नहीं उठा सकते, किसी मंत्री के